सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जियो। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साह संगत जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। पुंडरपुर दे कोल चंद्रभगा नदी वगदी है। उस नदी दे किनारे नामदेव जी जा बैठते ते ईश्वर भगती विच जुड़ जाते, अपने मालक प्यारे परमात्मा नू याद करते। एक दिन लिव जोड़ी बैठे सन कि किसी ने जाके आख्या, हे नामदेव जी, तुहाडे घर नू अग लग गई है, सारा घर सड़ गया है, छेती चलो। नामदेव जी ने उत्तर दिता, अग लग गई, अग लई लाउण वाले ने मेरा घर कादा, ये तां उहदा सी, उसने आप ही साड़ दिता, मैं की आखां। फिर भी जोर देण ते भगत जी उठ के आए ते आ के सड़दे कखां दे घर नू देखदे रहे। मन विच ऐसा ख्याल आया कि लोकां ने जिहड़ियां घर दीआं चीज़ां बचा के रखियां सन उहनां नू चुक चुक के अग विच सुटण लग पए ते जुबानों आखी जान लगे, हे प्रभु, यह जो चीज़ां लोकां ने बचाईयां हन इहनां नू भी नाल लै जा, मैं की करनियां हन, जे कर नहीं रहा तां चीज़ां मैं कित्थे रखांगा लिजा के। भगत जी का यह कौतक वेख के लोग बहुत हैरान होए अते उहनां नू रोकण का जतन करन लगे, पर भगत जी ना रुके, वह चीज़ां नू सुटी गए। भगत नामदेव जी नू परमात्मा दे प्रतख दर्शन हो रहे सन। परमात्मा ने आख्या, हे नामदेव, इस अग विच भी तैनू मेरा स्वरूप ही दिसदा है। नामदेव जी ने कहा, हे प्रभु, यह अग भी आप दी बनाई है, आप ही साड़ रहे हो ते आप दा ही सारा खेल है, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तुसां दा है। इस तरह भगत भगवान दे विचाले गल हुंदी रही। भगत दीआं चीज़ां सारियां नहीं सड़ियां सन कि अग अपने आप मठी हो गई, एकदम बुझ गई ते भगत जी रात एक रुख हेठां सुते। सवेर होई तां लोग देख के हैरान होए कि नामदेव जी दा घर तां नवां बणिया होया सी ते रातों रात ही घर बन गया। ऐसी छन बनी कि जैसी किसी ने देखी ही नहीं सी, बड़ी सफाई नाल बनया सी ते लकड़ां बहुत ही प्रेम नाल तछ तछ के लाइया सन। सब तो अनोखी गल ए सी कि घर दा सारा समान नवा आ गया सी, सड़े दा कोई नामो निशान ना रहा। लोकां ने जिवें आ के भगत नामदेव जी नूं पुछया, उन्हां ने अपने एक शब्द विच यह सारी वार्ता बयान कीती है। पाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा, का पहचान छवाई हो, तो पह दुगणी मजूरी दे हो, मोको बेड़ी दे हो बताई हो, री बाई बेड़ी दे न जाई, देख बेड़ी रहे हो समाई, हमारा बेड़ी प्राण अधारा, बेड़ी प्रीत मजूरी मांगा, जो कऊ छान छवावै हो, लोक कुटुंब सभों ते तोरै, तो आपन बेढ़ी आवै हो, ऐसो बेढ़ी बर न साको, सब अंतर सब ठाई हो, गूंगै महा अमृत रस चाख्या, पूछे कहन न जाई हो, बेढ़ी के गुण सुन री बाई, जलद बांध ध्रू थाप्यो हो, नामे के स्वामी सी बहरी, लंक पपीखण आप्यो हो। नामदेव जी दियां गवांडणा पुछदियां हन कि हे नामदेव जी, दसो तां सही, तुसी किस कोलों छन बनवाई है, जे सानू कारीगर दा पता दिओ तां तेरे नालों दूनी मजदूरी देवांगे। नामदेव जी उत्तर दिंदे हन, हे भैण, ओह कारीगर नहीं दिता जांदा, ओह तां हर थां समाया होया है, मेरे तां ओह प्राणा दा आसरा है,
हाँ, जे कोई उस कारीगर पासों मजदूरी ते काम करवावे तां प्रेम मजदूरी है। सारे परिवारां, रिश्तेदारां ते होर मित्रां नालों अड होवे तां उह कारीगर मिलदा है। इहो जिहे कारीगर या बेड़ी नूं मैं बयान नहीं कर सकदा, वो हर थां वापरिया है। जिस तरह गूंगा पुरश किसी रस दे स्वाद नूं नहीं दस सकदा, तिवें मैं उहदे गुणां नूं बयान नहीं कर सकदा। हे माता, सुन, उस कारीगर ने सारे जगत नूं एक पद्धर उत्ते रख्या है। सागर उत्ते उसका राज है, तारे, आकाश, धरती ते बनस्पति उसके हुक्म विच हन। जिवें रामचंद्र जी ने लंका ते चढ़ाई करके प्यारी सीता नूं पाया ते लंका रावण नूं मार के भभीखण नूं दे दित्ती, तिवें भगवान ने नामदेव जी दे उपर किरपा कीती है। हे लोको, ये सब प्रभु का ही खेल है। उसने ऐसी खेड की है, मैं की दसा। जदों नामदेव जी के मुख तो ये शब्द सुने तो यह कौतक तक के सारे लोग असलों भगत जी के चरणों उपर डिग पे ते जान गए कि भगत जी ते भगवान विच हुण कोई फर्क नहीं रह गया। जो प्रभु की भगती शुद्ध हिरदे नाल करता है उसके कारज रास हुंदे हन ते प्रभु उसकी आप देखभाल करता है। हे श्रद्धालु जनों, भगत जी ने लोगों को उपदेश दिता, प्रभु बीठल का नाम जपो ते उसते भरोसा रखो, वो तुहाडे सारे कारज रास करेगा। राम नाम विच ऐसियां बरकतां हन। भगत नामदेव जी संत ज्ञानेश्वर जी की संत मंडली दे नाल तीर्थां की यात्रा करन वास्ते निकल गए। पंजाब दे तीर्थां दी यात्रा करके भगत मंडली ने पिछे मुड़ना सी। इन्हां दी सलाह होई कि देश दे रेतले हिस्से राही वापस मुड़ा जाए तां कि इस इलाके दे जीवां विच वी हर नाम दा प्रचार कीता जाए। चलदी चलदी संत मंडली बीकानेर विच पहुंची। राजपुताने विचों दी हो के इन्हां ने अजमेर नूं जाणा सी। बीकानेर विच कैलावत जी अस्थान उत्ते पुज्जे तां उन्हां नूं प्यास लगी, पर रेत दे मारू थलां विच पानी किते नहीं सी। सूरज दे सेक नाल असमान, वायुमंडल ते धरती विच बलदा पट बणिया होया सी। सारी संत मंडली प्यास नाल मरन लगी। योग दे बल नाल ज्ञानेश्वर ने देखिया कि 2 गज उत्ते खूह तां है पर उसका पानी सुका होया है। उसने संत मंडली नूं कहा कि भगवान का आसरा लै के थोड़ा रस्ता होर चलो, फिर शायद जल मिल जाए। उन्होंने साधुओं ने हौसला किया, भगवान का सिमरन करते हुए सुके हुए खूह कोल पुज गए। खूह खंडर हो चुका सी, सारा पूर के विच घा उग गया होया सी। ज्ञानेश्वर ने कहा, प्रभु दे प्यारियो, मैं बर्तन लैके हेठा जाता हाँ ते पानी लिया हाँ। संतां नूं पानी चाहिदा सी, उन्हां मजदूरी देंद्या ढिल्ला कीती। ज्ञानेश्वर जी कर मंडल लैके हेठां गए, योग विद्या के बल नाल धरती ते पुजे ते पानी आदि पी के संतां वास्ते कर मंडल भर के लियाए। सारे संतां ने पानी पी लिया। जदों नामदेव जी नूं पानी पीण वास्ते आख्या तां भगत जी ने उत्तर दिता, मेरी राखी मेरा बिठल करदा है, जे उसनों मेरी लोड़ है तां इस खूह विच्चों पानी उपर करेगा, नहीं ते पानी नहीं पीणा, मरना कबूल है। यह आख के भगत जी खूह के किनारे धरना मार के बैठ गए। बीठल का नाम जपना शुरू कर दिता। कोई अधे घंटे पिछों कड़क हुई, संतां ने खूह विच झात मारी कि मिट्टी का गढ़ जो खूह विच बजा होया सी वह अपने आप टुट गया। हौली हौली सारी मिट्टी अलोप हो गई। खूह दे विच कुंगू वर्गा पानी नितरिया ते शीतल जल वेख के सारे ने खुशी मनाई ते बहुत प्रसन्न हो के भगत नामदेव जी नूं आवाज़ां दित्तियां। भगत नामदेव जी ने उन्हां दियां आवाज़ां सुन के पुछया, मेरे बिठल ने जल भेज दिता है, मेरी बेनती सुन ली है। भगत नामदेव जी उठे ते कर मंडल वहा के शीतल जल बाहर कढ़िया ते पीता। ऐसी शक्ति ते भगती देख के सारी संत मंडली भगत नामदेव जी दे चरणों उत्ते डिग पई ते नामदेव जी आप इउं प्रभु जस करन लगे। मोहे लागती ताला बेली, बछरे बिन गाय अकेली,
पानिया बिन मीन तलफै, ऐसे राम नामा बिन बापरो नामा। जैसे गाय का बाछा छूटला, थन चोखता माखन कूटला। नाम देव नारायण पाया, गुर पेटत अलख लखाया। जैसे बिखै हेत पर नारी, ऐसे नामे प्रीत मुरारी। जैसे तापते निर्मल कामा, तैसे राम नामा बिन बापरो नामा। भगत नामदेव जी संत ज्ञानेश्वर जी दी संत मंडली दे नाल तीर्थां दी यात्रा करदे होए श्री नामदेव जी मथुरा बिंद्रावन तों हस्तनापुर आ गए।